हेलो दोस्त, रेलवे एएलपी सीबीटी 2 परीक्षा जिसमें क्लास नंबर 28 है और ये रेडियो मैकेनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स दोनों से रिलेटेड है, जिसमें आपको पढ़ना होता है रजिस्टर और काउंटर। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट टॉपिक है और 28 नंबर वीडियो तक हम यहाँ पहुँच चुके हैं। तो 27 नंबर का आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, साथ में टेस्ट सीरीज चल रहा है। तो टेस्ट सीरीज 14 तक हो चुका है, जिसमें से 3 इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड टेस्ट है, बाकी इलेक्ट्रिकल आपका बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का है। तो टोटल टेस्ट का भी 14 टेस्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में वो भी लिंक आपको मिल जाएगा, जहां से आपको अपनी आवश्यकता अनुसार देख सकते हैं। तो यहां बात करेंगे रजिस्टर और काउंटर का। तो ये सबसे पहले जानते हैं रजिस्टर और काउंटर होता क्या है। तो ये सिक्वेंशियल सर्किट होता है, जिसमें इनपुट रहता है तब भी आउटपुट मिलता है और प्रीवियस इनपुट जो आउटपुट है उसको भी सेव करके रखता है तब भी आउटपुट मिलता है, इसलिए इस टाइप के रजिस्टर और काउंटर को बोलते हैं सिक्वेंशियल। सिक्वेंशियल सर्किट में दोनों आते हैं और कॉम्बिनेशनल सर्किट में जितने भी आपके मल्टीप्लेक्सर एडर वगैरह आते हैं। तो यहाँ बात करेंगे टोटल हम 26 प्रश्न का। तो टोटल 26 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, जिसको हिंदी और इंग्लिश में समझाने या लिखने का कोशिश किया गया है, जिससे सभी लोगों को ईजी हो। तो कुछ लोग बोलते हैं केवल हिंदी चाहिए, अंग्रेज नहीं बनना। कुछ लोग कहते हैं हिंदी इंग्लिश चाहिए, हिंदी हमें पढ़ने नहीं आता। तो एक यूट्यूबर के लिए कन्फ्यूजन है कि कौन सा क्रिएट करें और कौन सा डाटा क्रिएट करें, बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है। तो चलिए दोनों से हम करके चलते हैं कि जिससे मैक्सिमम लोगों को फायदा हो। और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, तो वीडियो की शुरुआत रजिस्टर और काउंटर का एमसीक्यू है, लेकिन सबसे पहले जानना होता है कि रजिस्टर और काउंटर क्या है। तो रजिस्टर और काउंटर दोनों फ्लिप फ्लॉप का कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, रजिस्टर और काउंटर का बेसिक एलिमेंट यानी कह सकते हैं एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, तो फ्लिप फ्लॉप। याद रखिएगा फ्लिप फ्लॉप जो हमने बात किया था, और फ्लिप फ्लॉप को क्या बोलते हैं, 1 बिट मेमोरी। तो आपको रजिस्टर बनाना है 8 बिट का, तो रजिस्टर को सीरियल या पैरेलल में कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, यानी 1 बिट की फ्लिप फ्लॉप को आपको 8 बिट में कन्वर्ट करना है, 12 बिट में करना है, या काउंटर कितने मोड का करना है उसके अनुसार से फ्लिप फ्लॉप की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो बेसिक यही है और यही है काउंटर की टॉपिक। और इस एग्जामिनेशन में इससे बहुत ज़्यादा टॉपिक बहुत डीप में नहीं आएगा, बेसिक बेसिक आएगा। तो चलिए बेसिक बेसिक बात कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है फ्लिप फ्लॉप को समूह को जोड़ने पे बना डिवाइस बाइनरी डाटा स्टोर करने के लिए कहलाता है। तो फ्लिप फ्लॉप के जोड़ने पर वह डिवाइस जो बाइनरी डाटा को स्टोर कर सकता है तो क्या कहलाता है, रजिस्टर कहलाता है। और ये सी आंसर है, और ये कह सकते हैं एक तरह से रजिस्टर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप सीरीज एंड पैरेलल एज पर रिक्वायरमेंट। तो यहाँ कह रहे हैं सी राइट आंसर है रजिस्टर। उसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है एक रजिस्टर में किस डिवाइस के रूप में जाना जाता है, रजिस्टर को किस रूप में डिवाइस रूप में जाना जाता है। तो हमने पहले ही बात कर लिया था कॉम्बिनेशनल सिक्वेंशियल इलेक्ट्रिकल सर्किट या इनमें से कोई सभी। तो ध्यान दीजिएगा रजिस्टर क्या है, जब रजिस्टर में इनपुट रहता है तब भी आउटपुट दे सकता है, या प्रीवियस आउटपुट को स्टोर करके रखे रहता है वहाँ से भी आउटपुट दे सकता है। तो इस टाइप के सर्किट को कहते हैं सिक्वेंशियल सर्किट, और ये फ्लिप फ्लॉप है। तो आप जानते हैं फ्लिप फ्लॉप सिक्वेंशियल सर्किट का बेसिक है और रजिस्टर उसका थोड़ी सी आगे का भाग है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपके बी हो गए। उसके बाद अगले हम प्रश्न में चलेंगे 3 नंबर, जिसमें कह रहा है एक शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर में बीट शिफ्ट कहाँ होता है। शिफ्ट, देखिए शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर तो कहाँ शिफ्ट होता है वो बताना है। पहला कह रहा है LSB टू MSB। तो सबसे पहले कई लोगों को पता ही नहीं होगा LSB क्या होता है, MSB क्या होता है। तो LSB को बोलते हैं लीस्ट साइनेज बिट और MSB को मोस्ट साइनेज बिट। तो उसमें से लीस्ट से MSB में जाएगा, उसके बाद इंड टू सेंटर जाएगा, सेंटर टू इंड जाएगा, MSB टू LSB जाएगा। तो लेफ्ट शिफ्ट कहने का मतलब है कि LSB टू MSB में शिफ्ट होगा। तो लेफ्ट शिफ्ट मतलब कह सकते हैं अगर ग्राफिकल आपको दिखाया जाए, अगर डाटा कुछ ऐसा है और कह रहा है कि लेफ्ट शिफ्ट यानी मोस्ट बिट, मोस्ट बिट कौन सा इसमें है बता सकते हैं आप, लास्ट वाले मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सा है, लास्ट वाला डिजिट एक इधर शिफ्ट होगा लेफ्ट की तरफ। तो LSB टू MSB यानी यहाँ से MSB से LSB की तरफ, LSB से MSB की तरफ, यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ जाएगा। कहाँ से,
लिस्ट से मतलब कम से ज़्यादा में जाएगा, ध्यान रखिएगा कम से ज़्यादा कह सकते हैं सिंपल भाषा में, और इलेक्ट्रॉनिक्स भाषा में कहते हैं MSB, LSB टू MSB, राइट आंसर है। उसके बाद है चौथा नंबर प्रश्न, जिसमें पूछ रहा है एक प्रयोग एप्लीकेशन है रजिस्टर का, रजिस्टर का क्या प्रयोग है। पहला कह रहा है डिले लाइन, दूसरा कह रहा है डिकोडर, तीसरा मल्टीप्लेक्सर, और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो किस में प्रयोग किया जाता है रजिस्टर का, ये बता दे कोई भी, तो ध्यान दीजिएगा इनमें से सबसे पहले डिले लाइन में प्रयोग होता है रजिस्टर का। तो राइट आंसर यहाँ पे भी आपका 4 का 1 है। उसके बाद हमारे पास इसी का अगला प्रश्न अगर देखें, 5 नंबर प्रश्न, तो 5 नंबर प्रश्न आपका यूनिवर्सल काउंटर से है, इसी रजिस्टर से है। ध्यान, दी यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर कैन कैरी आउट, कैरी आउट मतलब आगे की तरफ बढ़ाता है, उसका बात कर रहा है। तो यहाँ पे ये है एनी वन सीरियल एंड पैरेलल डाटा ट्रांसफ़र, दूसरा कह रहा है पैरेलल डाटा ट्रांसफ़र, तीसरा कह रहा है बोथ सीरियल एंड पैरेलल डाटा ट्रांसफ़र, और लास्ट में कह रहा है सीरियल डाटा ट्रांसफ़र। तो कौन सा करता है यूनिवर्सल रजिस्टर, आप याद रखिएगा ये दोनों टाइप के लिए अप्लीकेबल होता है, सीरियल और पैरेलल। तो राइट आंसर आपके पास सी में बना हुआ है, बोथ सीरियल एंड पैरेलल डाटा ट्रांसफ़र। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न कह रहा है एक रजिस्टर में जो डाटा बिट को शिफ्ट इंडिविजुअली फ्लिप फ्लॉप वन स्टेप टू राइट टू ईच टाइम ऑफ क्लॉक प्लस कैरीड आउट, इस टाइप के रजिस्टर को क्या बोलते हैं वो बताना है। कह रहा है हर बार राइट शिफ्ट करता है जितने क्लॉक लगता है इंडिविजुअल फ्लिप फ्लॉप का। तो मान ले कि एक फ्लिप फ्लॉप आपने यहाँ लगाया, इसमें इनपुट लगाया J&K, और आउटपुट लगाया इधर आपका प्री सेट और रीसेट है, उसके बाद इसके बाद दूसरी रजिस्टर लगी हुई है, तो और इसमें जो क्लॉक हम इसमें देते हैं इनपुट में, तो एक क्लॉक, दो क्लॉक, तीन क्लॉक देते देते वो राइट शिफ्ट हो रहा है, तो उस किस टाइप के रजिस्टर है। तो ध्यान दीजिएगा राइट शिफ्ट हो रहा है और एक क्लॉक में एक बार हो रहा है, तो ऐसे को कहते हैं सीरियल शिफ्ट रजिस्टर। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा सीरियल शिफ्ट रजिस्टर इस टाइप के रजिस्टर का होता है, और एक बार में वन स्टेप ही चेंज होगा इंडिविजुअली एक स्टेप का। तो ये प्रश्न एक बार बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट शिफ्ट ईच टाइम और वन बाय वन, तो सीरियल शिफ्ट रजिस्टर, और एक बार में ज़्यादा होता है तो पैरेलल शिफ्ट रजिस्टर होता है। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न, एक रजिस्टर के निर्माण कंस्ट्रक्शन में किसका प्रयोग किया जाता है। तो बेसिक यूनिट की हमने बात कर लिया था, रजिस्टर का बेसिक यूनिट क्या है, तो फ्लिप फ्लॉप है, तो इसके लिए ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, याद रखिए रजिस्टर बनाना है तो फ्लिप फ्लॉप लगाना है। उसके बाद आगे हम चलेंगे अगले स्लाइड में, तो अगला स्लाइड हमारा है 8 नंबर प्रश्न, पूछ रहा है कि अगर फ्लिप फ्लॉप का प्रयोग करेंगे जब शिफ्ट रजिस्टर को बनाना है, समानता जनरली फ्लिप फ्लॉप आर यूज इन शिफ्ट रजिस्टर कंस्ट्रक्शन, यहाँ बोल रहा है तो SR, D, T, and J&K, कौन से फ्लिप फ्लॉप का यूज हमें करना है ये बताना होता है। तो ध्यान दीजिएगा साधारण कहीं भी जनरली मिल जाए उस टाइप के शिफ्ट रजिस्टर बनाने के लिए JK फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं, और SR फ्लिप फ्लॉप में आपने क्या पढ़ा था, रेस आउट कंडीशन होता है कब, R = 1, S = 1, तो रेस आउट कंडीशन को एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है, तो वो कौन करता है, JK फ्लिप फ्लॉप, इसलिए शिफ्ट रजिस्टर में यूज करते हैं। और डी और टी रजिस्टर केवल डिले के लिए यूज किया जाता है, डिले और टोगल के लिए, तो इसलिए तो ये यूज नहीं करते। तो एक ही रजिस्टर बचता है, एक ही फ्लिप फ्लॉप बचता है जो स्ट्रॉन्ग है, J&K, जो शिफ्ट रजिस्टर के या रजिस्टर में काम आ सकता है, और बाकी और भी होते हैं लेकिन जनरली JK होता है। उसके बाद अगला कह रहा है हमारे पास प्रश्न संख्या है 9 नंबर, तो प्रश्न संख्या 9 नंबर आप देखेंगे तो शिफ्ट ए रजिस्टर टू लेफ्ट 1 बिट पोजीशन इट इक्विवेलेंट टू बाइनरी कोड, क्या होगा, एक बिट अगर शिफ्ट करना है तो बाइनरी कोड के लिए इक्विवेलेंट क्या होगा। तो एक बिट का मतलब आप समझ सकते हैं क्या होता है, 2 के पावर 1, और 2 के पावर 1 बराबर क्या होता है आपका 2, तो मल्टीप्लीकेशन बाई 2, हमेशा गुना होता है बाइनरी में, तो 2 के पावर जो अगर 2 के पावर 2 कर देते तो 2 गुना 2 करना पड़ेगा आपको, तो इस नंबर मल्टीप्लीकेशन बाई 2, तो राइट आंसर यहाँ बी है। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न कर रहा है इन ए कंप्यूटर LU HL एक्यूमुलेटर आर टाइप ऑफ 1, क्या होता है अगर एक
कंप्यूटर के एलयू में अर्थमेटिक लॉजिक कंट्रोल यूनिट में एचएल और एक्यूमुलेटर क्या है, तो पूछ रहा है काउंटर प्रोसेसर रजिस्टर मल्टीप्लेक्सर। तो एचएल पेयर होता है एच और एल, दोनों अलग अलग रजिस्टर है, एक्यूमुलेटर भी एक रजिस्टर है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या है, रजिस्टर है, सी राइट आंसर है। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न में चलेंगे, काउंटर प्रश्न रजिस्टर ख़त्म, उसके बाद काउंटर शुरू कर रहे हैं। तो काउंटर में मापने का यूज प्रयोग कर रहा है, काउंटर का प्रयोग मापने में होता है, यूज एंड मेजरमेंट किस में यूज कर मापने के लिए यूज करते हैं, तो पहला कह रहा है डिस्टेंस, दूसरा टाइम, तीसरा फ्रीक्वेंसी, और यहाँ कहें ऑल ऑफ दी एबव। द राइट आंसर है आपका ऑल ऑफ दी एबव, काउंटर का प्रयोग सभी चीज़ों के लिए मापने के लिए करते हैं, डिस्टेंस टाइम और फ्रीक्वेंसी तीनों टाइप के क्वांटिटी को हम माप सकते हैं काउंटर द्वारा। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न कर रहा है फॉर ए काउंटर कन्वर्ट विच एन आउटपुट बिट नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल रिक्वायर टू कन्वर्सन ऑपरेशन, एक काउंटर में एन बिट की आउटपुट को कन्वर्ट करने के लिए कितने क्लॉक साइकिल की जरूरत पड़ेगी और ऑपरेशन कंप्लीट करने में, वो बताना है यहाँ पे। तो हमने बात ही किया था 2 के पावर 1 बात किया था, लेकिन यहाँ कह रहा है कि एन नंबर ऑफ आउटपुट, तो 2 के पावर क्या होगा एन, राइट आंसर आपके पास ए है, घबराना नहीं है, सीधा डायरेक्ट जवाब देना है 2 के पावर n काउंटर की टर्म में। उसके बाद हमारे पास 13 नंबर प्रश्न है, 13 नंबर प्रश्न आपको पूछ रहा है एक काउंटर जिसमें कोई अतिरिक्त एडिशनल लॉजिक गेट नहीं होता कौन सा काउंटर कहलाता है, कोई सा गेट की बात कर समझ सकते हैं एंड और नॉट, कोई गेट बाहर से नहीं लगा है। तो पहला पूछ रहा है डेकाडेक काउंटर, दूसरा कह रहा है प्री सेटेबल काउंटर, तीसरा जोहनसन काउंटर और तीसरा चौथा है रिंग काउंटर, तो डी आंसर पूछ रहा है, तो इसमें से कौन सा आंसर राइट है वो बताना है आपको। तो इस टाइप के काउंटर को बोलते हैं जोहनसन काउंटर और राइट आंसर आपका है सी। तो किस में कोई एडिशनल लॉजिक गेट नहीं लगता है, यानी अतिरिक्त कोई गेट नहीं लगता काउंटर में, क्या होता है केवल फ्लिप फ्लॉप, तो इस टाइप के काउंटर को बोलते हैं जोहनसन काउंटर, याद रखिएगा। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न ए काउंटर डेट काउंट फ्रॉम 0000 to 1111 इज एग्जाम्पल ऑफ, किस प्रकार का एग्जाम्पल काउंट करने के लिए ये बताया जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या 00 क्या है सबसे कम है और 111 क्या है बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या नीचे से क्या जा रहा है ऊपर, तो हिंट मिल गया होगा। तो यहाँ जोहनसन काउंटर है, रिंग काउंटर है, प्री सेटेबल काउंटर है और तीसरा है अप काउंटर। तो ये क्या हो रहा है 0 से 1 तक जाने के लिए क्या हो रहा है अप हो रहा है, तो इस टाइप के काउंटर को बोलते हैं अप काउंटर और राइट आंसर आपका डी है। उसके बाद 14 नंबर के बाद 15 नंबर प्रश्न, 15 नंबर प्रश्न में आपसे पूछ रहा है एक काउंटर के सभी फ्लिप फ्लॉप एक क्लॉक के साथ स्टेज चेंज होता है, एक काउंटर के सभी फ्लिप फ्लॉप एक साथ क्लॉक स्टेट चेंज करता है, उस टाइप के काउंटर को क्या बोलते हैं। तो पहला कह रहा है रिंग काउंटर, दूसरा जोहनसन काउंटर, तीसरा प्रीसेटेबल काउंटर और अंतिम कह रहा है सिंक्रोनस काउंटर। तो ध्यान दीजिएगा क्लॉक क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्लॉक के रूप में देते हैं और एक क्लॉक सबको एक साथ ट्रिक कर रहा है, यानी इस टाइप को बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन। तो यहाँ सिंक्रोनाइजेशन काउंटर बोलते हैं सिंक्रोनस काउंटर, तो राइट आंसर इसका भी 15 का भी आपको डी है, 14 का डी था आपको, यहाँ 13 का सी है। उसके बाद हम अगले प्रश्न में चलेंगे, तो अगले प्रश्न हमारे पास आए 16 नंबर, तो 16 नंबर है यहाँ पे कहें तो सबसे कम डिले वाला काउंटर इनमें से कौन सा है, सबसे कम डिले, तो सिंक्रोनस काउंटर, रिपल काउंटर, सिंक्रोनस काउंटर और ए सिंक्रोनस है, नॉन सिंक्रोनस है और अगला रिंग काउंटर, तीन में से कौन सा काउंटर है जो सबसे कम डिले लेता है। तो हमने बात किया था अभी क्लॉक का, एक क्लॉक के साथ अगर एक फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर करे तो आगे जाते जाते क्या होगा डिले होगा, और कह सकते हैं क्लॉक फ्रीक्वेंसी के लिए यूज करते हैं तो 1/A फेस लगाते हैं, तो अगर ये फ्लॉप जितने ज़्यादा गेट होंगे उतने ज़्यादा डिले होगा फ्रीक्वेंसी के साथ, तो यहाँ कह सकते हैं कि सबसे कम लेने के लिए कौन सा काउंटर यूज होगा, सिंक्रोनस काउंटर सबसे कम डिले लेगा, यानी एक क्लॉक से सभी गेट को एक बार स्टार्ट कर सकता है या उसकी स्टेट चेंज कर सकता है, इसलिए इसमें डिले बहुत कम होगा।
उसके बाद हमारे पास है 17 नंबर प्रश्न जिसमें एक डेकाडे काउंटर का काउंट करता है, क्या काउंट करता है, तो कह रहा है 1001 टू 0001 तक, फिर 0001 से 1001 तक, तीसरा कह रहा है 40 से लेके 41 तक, और चौथा कह रहा है आपका 40 से लेके 101 तक। तो डेकाडेक काउंटर 1010 लास्ट उसका डिजिट शायद पड़ता है, ये आपको पता याद किए होंगे, नहीं तो डेकाडेक क्या है, 2 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 0 यानी 1, तो डेकाडेक काउंटर 0 से लेके 01 तक, ये क्लियर हो रहा है इस डाटा से। तो यहाँ कह सकते हैं 8 प्लस 1 9, डेकाडेक 9 तक काउंट करता है, तो ये राइट आंसर आपका बी है। तो इस तरह से प्रश्न देखिए, 0 से लेके कहाँ तक जाएगा, 1001 तक, इस टाइप के काउंटर को डेकाडेक काउंटर बोलते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है 18 नंबर, रिंग काउंटर किसके जैसा है, रिंग काउंटर पूछ रहा है इनमें से किसके जैसा है, पहला कह रहा है शिफ्ट रजिस्टर, दूसरा पैरेलल काउंटर, तीसरा अप डाउन काउंटर, और डी है नन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई नहीं। तो शिफ्ट रजिस्टर आपने पढ़ा ही है, तो शिफ्ट रजिस्टर बिल्कुल रिंग काउंटर के जैसा ही होता है, तो राइट आंसर आपका ये है, शिफ्ट रजिस्टर का फंक्शन पूरी तरह से रिंग काउंटर के जैसा होता है। उसके बाद हमारे पास 19 नंबर प्रश्न है, और ये थोड़ा इससे न्यूमेरिकल भी कई बार आ जाता है, दी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट डेट काउंटर विथ एन नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप हैज, तो कह रहा है कि एन नंबर फ्लिप फ्लॉप रहेगा तो मैक्सिमम नंबर तक कितना तक काउंट कर सकता है स्टेट के टर्म में, वो बताना है आपको यहाँ पे। तो ये ध्यान दीजिएगा, 2 के पावर n हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, उसी प्रश्न को पूछ रहा है, और कई बार अभी इसी में प्रश्न मिलेगा, 2n बराबर अगर 4 दे दिया गया तो कहाँ तक वो काउंट करेगा वो पूछ लिया जाता है। तो ध्यान देते हैं इसको, हम थोड़ी सी बाद में इस प्रश्न को और एक आध प्रश्न ले लेते हैं इसमें से। तो 20 नंबर प्रश्न यहाँ पे है, 20 नंबर कह रहा है एक फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट दूसरे फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक बन जाता है, यह किस प्रकार के काउंटर है, यानी समझ सकते हैं ये सीरियल टाइप से जुड़ा हुआ काउंटर है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट दूसरे फ्लिप फ्लॉप का इनपुट है, इस टाइप के काउंटर को क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन आप देखेंगे 20 नंबर में, तो पहला कह रहा है डिकोडर, दूसरा रिपल काउंटर, सी है रिंग काउंटर, और डी है सिंक्रोनस काउंटर। तो सिंक्रोनस, आपने सिंक्रोनस काउंटर देखा, इसमें हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, इसके सारे क्लॉक एक साथ, यानी सारे फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक एक साथ होता है, तो इसलिए ये काउंटर तो है नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के काउंटर को बोलते हैं रिपल काउंटर, जिसमें आप मान लें कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, कोई अलग से क्लॉक नहीं दिया जाता, ये क्लॉक ही इसका क्लॉक बन जाता है, तो इस टाइप के काउंटर को बोलते हैं रिपल काउंटर। उसके बाद आपके पास 21 नंबर प्रश्न है, जिसमें पूछ रहा है एक फ्लिप फ्लॉप इज खाली स्थान काउंटर है, क्या कौन सा काउंटर है, उसके बारे में आपको यहाँ बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, फ्लिप फ्लॉप का खाली स्थान काउंटर है डिवाइड बाय 2 काउंटर। तो रजिस्टर में हमने एक बात किया था मल्टीप्लिकेशन, और काउंटर में क्या है डिवाइड, तो ये बहुत ज़रूरी याद है, जब भी रजिस्टर की बात पूछ जाए तो 2n मल्टीप्लिकेशन आप याद रखना है, और जैसे ही काउंटर की बात आ जाएगा तो डिवाइड बाई 2 का याद रखना है, इस टाइप का फ्लिप फ्लॉप का फंक्शन काउंटर में होता है। तो राइट आंसर यहाँ आपको डी मिल गया, मल्टीप्लिकेशन भी मिल गया, डिवाइड भी मिल गया, यानी गुना, गुना होगा किस केस में, जब रजिस्टर का है, और भाग होगा किस केस में, जब आपको मिलेगा काउंटर, और किस से होगा तो हमेशा 2 से होगा, क्योंकि 2 क्या है आपका बाइनरी का डिजिट है 0 और 1, और दोनों रजिस्टर और काउंटर किस पे काम कर रहे हैं, बाइनरी डिजिट पे, तो इसलिए 0 1 का बेस 2 है, इसलिए 2 का ही मल्टीप्लिकेशन यानी गुना या 2 का ही भाग होगा। उसके बाद हम 22 नंबर प्रश्न पे चलेंगे, तो 22 नंबर प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि कम से कम फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट पड़ेगी जब मोड 14 काउंटर यूज करना है। तो हमने एक बार पढ़ा है अभी इसी प्रश्न में 2 के पावर n, तो अब मोड 14 कब आएगा वो बताना है आपको, और यहाँ ये माइनस का सीन नहीं है, ध्यान दीजिएगा ये डैश है, यानी 4 है 8 है 6 है और 16 है, तो कौन सा यूज करना है बता दीजिए, मोड 14 है, तो मोड 14 के लिए हमें कितनी चाहिए ये बता दें आप सबसे पहले। तो प्रश्न अब सोल्व करेंगे, तो 2 के पावर कितनी चाहिए, n बराबर कम से कम 14 या 16 चाहिए,
तो 16 होता है या 15 होता है, तो 2n अगर इसे करेंगे तो 16 को डिवाइड करेंगे और इसको रूट में लाएंगे 16 को, तो इक्वल बराबर क्या आएगा, 4 आएगा। तो 4 कम से कम चाहिए। और एक बार इसको दूसरे रूप में लिख सकते हैं, 2 के पावर 4, जो हमने चेक करने के लिए, तो 2 × 2 × 2 × 2, और इसे कह दें तो 2 × 4 × 8 × 16, 16 क्या है, मोड 14 क्या है, 16 के अंदर है, तो इसलिए 4 कम से कम रिक्वायर पड़ेगा। अगर 6 करेंगे तो और बड़ा काउंटर हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ करना है कम से कम, तो 4 कम से कम पूछ रहा है, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका बी है। उसी के तरह प्रश्न एक और है, 4-बिट काउंटर में कितने डेसिमल काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ 32 कर रहा है, 15 कर रहा है, 8 कर रहा है, 66 कर रहा है। लेकिन मैं कई बार प्रश्न देखा था, ये 32 नहीं, ये 16 हुआ करता था कहीं पे, तो बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती थी, सब लोग 16 मार के आते थे, 2 के पावर 4 = 16। लेकिन ध्यान दीजिएगा, 2 के पावर 16 नहीं, 2 के पावर 0 से लेके 15, यानी 0 भी इसमें इंक्लूड होता है, और 0 काम करता है रीसेट का, तो मिनिमम 15 डिजिट तक मैक्सिमम पढ़ सकता है 4-बिट के लिए। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका बी है। कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, कंसेप्ट को समझना है। तो छोटी सी गलती हमें गलत करवा देगी, अगर 16 ऑप्शन रहेगा तो आपसे गलती हो सकती थी, तो ये ध्यान दीजिएगा कि 0 भी इंक्लूड होता है। उसके बाद हमारे पास 24 नंबर प्रश्न है, पूछ रहा है इनिशियल एंड फाइनल काउंट मोड ऑफ 16 काउंटर। मोड 16 का शुरू का, यानी इनिशियल कह सकते हैं पहला, और फाइनल मतलब अंतिम अंक क्या होगा वो बताना है डिजिट के टर्म में। तो इनिशियल सबको पता है क्या होगा, 0 ही होगा, सिंपल सी बात है, इनिशियल 0 होगा। तो 0 के लिए कुछ भी ले सकते हैं, ये है, ये है, ये है, क्लियर है। लेकिन फाइनल है मोड 16, तो मोड 16 में कितना तक काउंट करेगा, अभी हमने पढ़ा है 15 तक करेगा ना जी, मोड 16 में 15 तक पढ़ेगा। तो 15 तक के लिए इसमें से कौन सा इक्विवेलेंट हो रहा है, तो ये देखेंगे आप, इसमें सारा का देखेंगे तो 15 है, और मोड 16 में कैसे काउंट कन्वर्ट करना है, तो इस लॉजिक को देखेंगे, 2 के पावर 10 1 2 3 यहाँ करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 2 के पावर 3 2 के पावर 2, तो राइट आंसर देखें डी है, सही आंसर सबसे यहाँ पे डी है 24 के लिए, जिसमें मोड 16 के लिए आप यूज कर सकते हैं डी। तो मोड 16 में मैक्स इनिशियल वैल्यू 00 होगा और मैक्सिमम वैल्यू 1000 होगा, उसके बाद फिर से रीसेट हो जाएगा, तो इसमें कुछ स्टेज छूट जाते हैं, तो कई लोग हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो गलती होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर आपको डी देना है। उसके बाद हमारे पास 2 सवाल और है, तो दूसरे सवाल को हम ले लेते हैं। यहाँ पे पहले कह रहा है रिपल काउंटर है, रिपल काउंटर किस प्रकार का काउंटर है, पहले सिंक्रोनस पूछ रहा है, दूसरा सिंक्रोनस बोल रहा है, बोथ टाइप के काउंटर है और इनमें से कोई नहीं है। तो हमने अभी भी पहले थोड़ी देर पहले बात किया था क्लॉक, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस काउंटर में महत्वपूर्ण योगदान होता है क्लॉक का, और क्लॉक अगर एक साथ सभी काउंटर को अगर चलाता है तो उसे बोलते हैं सिंक्रोनस, और एक साथ नहीं चलाता है तो क्या करते हैं, उसे एसिंक्रोनस बोलते हैं। तो रिपल काउंटर में क्या होता है, आपका एक फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट दूसरे से होता है और वही उसके लिए क्या होता है, इनपुट या क्लॉक के रूप में काम करता है। तो इस टाइप के फ्लिप फ्लॉप को आप काउंटर को क्या बोलते हैं, एसिंक्रोनस काउंटर। तो रिपल काउंटर क्या है, एसिंक्रोनस काउंटर है। उसके बाद एक और 26 नंबर प्रश्न है, जिसमें पूछ रहा है आपको SIPO स्टैंड क्या स्टैंड करता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया है सीरियल इनपुट, सीरियल आउटपुट, सीरियल इन, पैरेलल आउट, पैरेलल इन, सीरियल आउट, पैरेलल इन और पैरेलल आउट। तो ध्यान दीजिएगा, सीरियल इन पैरेलल आउट, तो सीरियल इन पैरेलल आउट बोलते हैं SIPO को। लेकिन हमारी समस्या यहाँ ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि हो सकता है पूछ दिया जाए कि आपको SIO क्या होता है, तो ये बोलते हैं सीरियल इन सीरियल आउट। अगर पूछ दिया जाए PISO पैरेलल इन सीरियल आउट, तो बोलते हैं पैरेलल इन सीरियल आउट, और फाइनली पैरेलल इन पैरेलल आउट। और ये सारे रजिस्टर के टाइप है, ये सारे रजिस्टर इस पे निर्माण होते हैं इसी टाइप का, सीरियल इन सीरियल आउट, पैरेलल इन पैरेलल आउट, पैरेलल
इन और पैरेलल आउट, तो ये चारों टाइप के रजिस्टर को यूज करते हैं, तो ये फुल फॉर्म आपसे पूछ दिया जाएगा। तो हो सकता है कि इसके बारे में फुल फॉर्म याद रखें या कंसेप्ट पता कर लें कि सीरियल इन और सीरियल आउट, तो इसमें क्या इसका मकसद है। तो उम्मीद है कि ये छोटा सा टॉपिक था, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था, लेकिन कुछ लोगों का डिमांड था कि रजिस्टर और काउंटर का भी प्रश्न बनाया जाए जिसमें रेडियो टीवी और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का क्लास कवर हो, तो उनके लिए ये वेलकम वीडियो नंबर 28 है जो आप यहाँ पे देख चुके हैं। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं आ सकता, एक या दो प्रश्न कभी कभी आते हैं। किस लेवल पे? एएलपी लेवल पे, जहाँ पे आपका सिलेबस टेक्नीशियन बेस्ड रहेगा, तो टेक्नीशियन में आईटीआई पे थोड़ी सी प्रश्न लेवल इतना डीप में नहीं जाएगा। हाँ, पूछ दिया जाएगा काउंटर किससे बनता है, बिल्कुल बेसिक सवाल, तो वही उसी टाइप के सवाल को यहाँ मैंने आपके लिए कवर किया है। थैंक यू, धन्यवाद।